हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल टीच अबाउट ग्रामर। इन ग्रामर वी टीच आर्टिकल्स। सो फॉर दिस टेक आउट योर ग्रामर रूट्स एंड ओपन चैप्टर नंबर 7, द नेम आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, व्हाट इज आर्टिकल्स? द वर्ड ए एन एंड दे आर कॉल्ड आर्टिकल्स। द वर्ड्स ए एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित आर्टिकल्स। यू यूजली पुट एंड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल साउंड एंड ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। हम अच्छे से जानते हैं कि एन का यूज हम कब करते हैं। एन का यूज हम करते हैं वोवल्स के साथ, मींस ए ई आई ओ यू। जो वर्ड इन अल्फाबेट से स्टार्ट होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं एन, एंड अदर वर्ड के लिए हम यूज करते हैं ए। फॉलोइंग एग्जांपल, कैन यू हियर अ बर्ड सिंगिंग? यहां पे क्या है? बी। बी से स्टार्ट है ये वर्ड, तो क्या हुआ? ए। इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के स्टार्टिंग में लगते हैं। ओके, नाउ व्हाट साउंड डज एन ऑल मेक? यहाँ पे वर्ड क्या है? ऑल। ऑल स्टार्ट होता है ओ से, तो क्या आएगा यहाँ पे? एन। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद अ वोवल, यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो वोवल वर्ड के शुरुआत में लगता है। लुक देयर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट, ई एन। रूडी इज रीडिंग अ बुक, बी ए। मम बॉट मी अ न्यू ड्रेस टूडे, एन ए। टेक एन अम्ब्रेला विद यू, यू एन। शी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, ए एन। Right? Use of an. We use a and an with singular countable nouns to talk about my single person or thing. हम a और an article का use singular countable nouns के साथ करते हैं जब हम किसी एक person और एक thing के बारे में बात करते हैं. Like, would you like a drink? I have finally got a job. An elephant and a mouse became friends. We use a or an with names of jobs. Okay? Read the following sentences. These sentences read these and these. Okay? Yourself. Next. Use of the. The word the is called डेफिनेट आर्टिकल। द जो होता है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। यू कैन यूज द बिफोर अ नाउन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और समवन डेफिनेट। हम दी का यूज जो करते हैं हम कब करते हैं? जब हम किसी थिंग के बारे में या किसी के पर्सन के बारे में बिल्कुल डेफिनेट होते हैं। ओके, लाइक द आइस इज मेल्टिंग। हम डेफिनेट हैं कि आइस मेल्ट कर रही है, तो इसके लिए आएगा द। टॉम हैज वन द रेस, डेफिनेट है। द एलिफेंट इज रिंगिंग, डेफिनेट है। वेयर इज द कैट? आई थिंक इट इज अंडर द बेड, आई थिंक, यानी कि डेफिनेट है। एंड ग्रेन इज सिटिंग इन द गार्डन। ओके स्टूडेंट्स, मोर यूजेस ऑफ द दी। व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लासेस, द कैमल इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन। हियर द सिंगुलर नाउन कैमल इज यूज refer to all camels. Okay, that's all students. If you have not anything understand, then call me and read this chapter again and again. Okay students.